जयपुर में आदर्श नगर में दोस्त डोगरी खट्टा मीट बनाने जा रहे हैं। पहाड़ी लोग होते हैं वो डोगरी कहलाते हैं, उनकी स्पेशल डिश है डोगरी खट्टा मीट। 1 किलो मेरा मटन है। आप इसमें इतना पानी डालेंगे ग्रेवी भी इससे आपकी थिक होगी। देखो आप बोनलेस भी बना सकते हो लेकिन इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। बहुत ही इजी वे में आराम से टूट रहा है। बहुत इजी टेस्ट आ रहा है। दोस्तों आज मैं राजा पार्क में हूँ जयपुर में आदर्श नगर में। दोस्तों आज मैं फ्रेंड के पास आया हूँ। बहुत टाइम से हम लोग साथ में ब्लॉगिंग वगैरह करते थे इंस्टाग्राम के लिए। तो गाइज इन्होंने मेरे को इनवाइट किया। इनकी मदर इन लॉ हैं जो बहुत ही अच्छा कश्मीरी फूड बनाती हैं, जो कश्मीर से हैं। बहुत ही शानदार कश्मीरी कुजीन ये बनाती हैं जिसमें वेज भी है नॉनवेज भी है। तो कुछ आज एक नॉनवेज की डिश हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मटन की। तो मैम से मुलाकात कराता हूँ एक बार आपकी और क्या चीज़ बनाएंगे क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ देखेंगे अपन। तो बिना किसी देरी के अंदर चलते हैं और आपको पूरी मेकिंग दिखाता हूँ। आ जाओ मेरे साथ। हेलो सुबि, हाउ आर यू? बहुत लंबे टाइम से मैं फूड ब्लॉगिंग कर रही हूँ बाय द नेम ऑफ भुक्कर घुमक्कर सुर। एंड इसी के थ्रू हम मिले थे। वी यूज्ड टू गो आउट फॉर अ लॉट ऑफ फूड मीट्स एंड अब तो ये बहुत बड़े हो गए। नहीं वेलकम। हम लोग एक्चुअली गाइज 2017-16 के अंदर जब ब्लॉगिंग करते थे इंस्टाग्राम के लिए, तो इंस्टाग्राम के लिए तब हम लोग बहुत सारे प्लेसेस पे जाते थे खाना खाने ब्लॉग्स शूट करने। तो तब हम लोगों की मीट हुई थी। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद सब अलग हो गए, बात भी नहीं हो पाई। तो फाइनली इन्होंने आज मेरे को इन्वाइट किया है। तो आज क्या क्या प्लानिंग है तुम्हारी? तो मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी शेफ़ है। वो कश्मीर से हैं तो वो कश्मीरी और जम्मू खाना बहुत अच्छा बनाती है। एंड आप नॉनवेज फूडी हो, दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो मुझे लगा कि यू नो आई शुड इंट्रोड्यूस यू टू दिस क्विजीन ऑल्सो। आइए चलिए। और यहाँ पर मैम ने देख रहे हैं सारी जो प्रिपरेशन है वो रेडी कर रखी है। तो मैम आप जम्मू से हैं? मैं जम्मू से हूँ, बॉर्न इन जम्मू, brought up in Kashmir, okay, and then married Jaipur. अरे वाह। तो मैम क्या बना रहे हैं एक बार थोड़ा बता दीजिए। आज मैं डोगरी मीट, डोगरी मीट, कश्मीर जम्मू बीच में पहाड़ी लोग होते हैं वो डोगरी कहलाते हैं, okay, तो उनकी स्पेशल डिश है डोगरी खट्टा मीट, वो बनाऊंगी, okay, लोहे की कढ़ाई में जिसमें खूब सारा आयरन प्रोटीन बहुत न्यूट्रिशन। स्टार्ट करें? हाँ जी मैम। पहले मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े से स्पाइसेस जो हम इसमें डालेंगे। जी मैम। खट्टा है तो खटाई के लिए अनारदाना, ये मैंने रॉ रखा है, लेकिन उसमें हम पानी में भिगो के और फिर डालेंगे उसका पानी डालेंगे, छान के मैं डालूँगी। इम्पॉर्टेंट गुड़, क्योंकि ये खट्टा और हल्का सा मीठा, जैसे सांभर बनाते हैं उसमें खट्टा भी होता है मीठा भी, तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है और टेस्ट। थोड़ी मेथी दाना ज़रूर डालते हैं, क्यों? क्योंकि पाचन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल। सबसे पहले हमने कुकर लिया, 1 किलो मेरा मटन है और मटन धीरे कर बोन्स के साथ है। देखो आप बोनलेस भी बना सकते हो लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं इसमें डालूँगी 1 किलो मटन। अभी कुछ नहीं डालना, मतलब ऑयल वगैरह नहीं? कुछ नहीं, ओके, पानी डालूँगी। ऑलराइट। आप इसमें इतना पानी डालेंगे कि कम से कम 10 मिनट तो विसल आनी चाहिए। ओके। 1 किलो मीट है तो अंदाजन आपको ये 3 पाव प्याज है। 3 पाव?
हाँ ओके 750 ग्राम। और ये कटा हुआ ये मैंने इसी में डाल दिया। अब थोड़े स्पाइसेस, हाँ जी, लाल मिर्च साबुत जो सूखी, हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, आधी ही डालूंगी मैं। काली इलायची साबुत, साबुत ही डालनी है इसमें। लौंग कम से कम 5-1 पीसेस, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, नमक भी पूरा नहीं, 1 किलो मीट है तो थोड़ा सा हाफ ही क्वांटिटी। अब मैं इसको चलाएंगे मैम, बंद कर दूंगी, वो मिक्स हो जाएगा बॉयल होने से। आप टाइम ज़रूर नोट करिए, हाँ जी, और डिपेंड करता है कि आपका जो मटन है वो लैम्ब है, फ्रेश है या फ्रोजन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको विसल देनी है। मेरा ये फ्रेश मटन है तो इसमें कम से कम 15 मिनट तक ये पकेगा। अभी इसको 90% कुक करेंगे, 100% 90% क्या 80% मेरी मदर इन लॉ ज़्यादातर चीज़ें घर में बनाती थी। अच्छा, तो वो सीखा मैंने काफ़ी उनसे, फिर मुझे खुद को भी शौक है किचन में काम करने का। और बच्चों ने फूड लाइन शुरू करी तो मुझे लगा मैं भी हेल्प करूं। आपका वीडियो शूट कर रहे हैं, अब बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे, आपकी वीडियो पसंद करेंगे तो मैम ऑर्डर भी दे सकते हैं, तो उसका कैसे अरेंज करेंगे आप? रंगून के नाम से हमारा कैफे है, बट हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनको इंडियन खाना बहुत पसंद है, तो वो लोग हमसे जब भी ऑर्डर करते हैं तो थ्रू आर क्लाउड किचन हम लोग उस चीज़ को सप्लाई करते हैं। तो रंगून कॉफ़ी ब्रूरी नाम से हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, तो उस पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, हम लोग अरेंज करते हैं। बहुत भारी कढ़ाई है मैम, नहीं क्या बात है, खुशबू तो शानदार। चला अब ये हम चेक कर लेते हैं, हाँ जी, कि पक गया कि नहीं। ओ आराम से हो गया ना, पक गया ये, बहुत बढ़िया है ना। तेल डाल दूं, धीरे करना बेटा, इधर आ जा, प्याज अलग कर दे, मीट अलग कर दे, बस इससे ज़्यादा नहीं। इनको अलग करें मैम, है ना? इनको अलग करेंगे क्योंकि अगर हमने मीट भुनने में डाल दिया पहले ही तो फिर तो वो हलवा ही बन जाएगा। प्याज को हमें पहले भुनना है, तेज पत्ता डाला आपने, मोटी इलायची, साबुत, लाल मिर्च। नॉर्मली तो लोग क्या करते हैं, तेल को गरम करके गैस बंद कर देते हैं फिर मसाले डालते हैं, लेकिन हमारा जो ये ऑयल घर का बना हुआ है तो इसमें किसी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो इसलिए मैं एक साथ कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा मेथी दाना, जीरा, ये आपने डाल दिया, काली मिर्च, बस। बोन्स मैंने अलग कर ली। अब ये मेरा प्याज, आप अच्छे से प्याज को स्ट्रेन कर लीजिए, ये प्याज पका हुआ है तो हम मसाले भी साथ में डाल देंगे। ये देगी मिर्च, ये आपके हल्दी, धनिया पिसा हुआ, आपकी ये धनिया जो है फ्लेवर तो है लेकिन ग्रेवी भी इससे आपकी थिक होगी। थोड़ा नमक डाला हुआ है तो अकॉर्डिंगली नमक,
ज़्यादा नहीं। अब एक और चीज़ जो मायने रखती है मे भी मेरी उम्र के लोगों के लिए कि हम लोग अंदाज हो जाता है हमें खाना बनाते बनाते, बिल्कुल हाँ। तो हम वो एक छोटी मशीन की ज़रूरत नहीं है हमें कि हम उसमें मेजर करें कि 5 ग्राम ये 5 ग्राम वो नहीं चाहिए। हमारा आइडिया से ही हो जाता है। हाथ की वेटिंग मशीन हो गया आपका। कढ़ाई अपने आप से काला कलर इसमें छोड़ती है। ये हमने इसका पानी फेंका नहीं है, इसमें से प्याज स्ट्रेन कर लिया, पीसेस हमने अलग कर लिए। और ये प्याज है, अब अगर आपको लगे कि ये थोड़ी ग्रेवी कम है तो आप एक्स्ट्रा प्याज डाल सकते हो इसमें। इसको भूनने में टाइम लगेगा थोड़ा। कलर कितना अच्छा लग रहा है इसका। वैसे तो मैम जरूरत थी नहीं प्याज डालने की ना। कोई नहीं, हो जाएगा। हाँ जी, अब हमारा मटन अच्छे से पका हुआ है तो अभी नहीं डालेंगे हम। गुड़ ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा गुड़। हाँ, अभी खटाई भी डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है गुड़, क्योंकि आपका मटन मीठा हो सकता है। बस कलर तो अभी बहुत अच्छा आ रहा है। एक्चुअली अभी कलर से ज़्यादा खुशबू अच्छी आ रही है, कलर तो धीरे धीरे उभरेगा। और इसका एक और एक ख़ास बात, हाँ जी, कि आपको जब भी खट्टा मीट बनाना हो, सपोज़ आपको रात के डिनर के लिए बनाना है, ठीक है, तो दोपहर को बनाइए, क्योंकि उससे अनारदाना इसके पीसेस में अच्छे से रसना चाहिए। मतलब कम से कम 2-3 घंटे पहले बनाइए तो उसका टेस्ट और भी आपको बेटर आएगा। ये मैं मटन इसमें डाल रही हूँ। तो गाइस ये मटन है ना 90% कुक हो चुका है ऑलरेडी, है ना, तो अब बस ग्रेवी अब को अच्छे से पकाया है इन्होंने, ग्रेवी पकाई है। और ये मटन ज़्यादा नहीं पके इसलिए अब मैं इसके ऊपर अनारदाने का पानी डाल दूंगी। ये अनारदाने का पानी है, सोक करा हुआ है मैंने अनारदाना, फिर उसको मिक्सी में पीस लिया था। क्या आवाज है। ये अनारदाना हेल्दी भी है, फ्लेवरफुल और कलरफुल। ये आपकी सब्जी को कलर भी देगा, एक हल्का सा खटास भी दे देगा, खटास भी देगा। और याद रहे कि हमने इसमें गुड़ भी डाला है, तो आपका ये नहीं कह सकते कि आप खा नहीं सकेंगे इसकी खटास। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जम्मू में अनारदाना तो जम्मू का बहुत फेमस है, और मैं भी ये रेगुलर बनाती हूँ, इसलिए इसका अनारदाना जम्मू का मैं अपने घर में स्टॉक में रख, उसका कलर ही डिफरेंट है। जम्मू का है, ये जम्मू का है। ये देखिए आप, मेरा डालते ही कलर चेंज हो गया। इसको मैं काला खट्टा मटन भी बोल सकते हैं ना? जी बिल्कुल। बस एक और जो मेरा ट्रम्प कार्ड आप कह सकते हो वो बाकी वो है, वो बाकी है। एक स्पेशल चीज, ये एक कोयला, ये हाँ जी, इसको गर्म करूंगी। धुआं देंगे आप इसका? बिल्कुल, इसका धुआं देंगे इसमें। और ये
गरम करके अब इसमें मैं देसी घी का धुआं दूंगी थोड़ा, ठीक है, उसके खुशबू और फ्लेवर बेटर आता है। कोयला रेडी है, मैंने इस कोयले को ही इसके अंदर डाल दिया और ऊपर से थोड़ा घी डाल दिया इस पे। अब ये धुआं दे रहा है तो एकदम बंद कर दिया और गैस बंद कर दी। तो गाइस फाइनली हम लोग टेबल पे बैठ चुके हैं और ये पूरी कढ़ाई यहाँ पे रख दी गई है मैम ने, और एक बार चेकआउट कर लें इस तरह की रंगत है इसकी। ये जो ब्लैकिश आपको कलर नजर आ रहा है ये लोहे की कढ़ाई का कलर है, राइट मैम? यस। और थोड़ा सा अनारदाने का भी। जी, आप पहले चावल डालिए प्लेट में। तो जैसा कि मैम ने बताया था कि ये राइस के साथ इसको ज्यादा टेस्टी लगता है, खा तो फुलके के साथ भी सकते हैं, ब्रेड के साथ आपकी चॉइस है, लेकिन ज्यादा अच्छा राइस के साथ चावल। मम्मा आपको भी डाल। रुको, ये आप देखना, मैं जब इसकी ग्रेवी डालूंगी तो आपके चावल काले हो जाएंगे। बहुत ज्यादा ऑयली नहीं रहता है, राइट मैम? बिल्कुल नहीं, हमने इसमें सरसों का तेल डाला है। गाइस फाइनली जो हमारी डिश है वो बनके रेडी है, और एक बार इसका टेक्सचर आप देख लें, एक बार थोड़ा सा पास आना रवि, ये देखो बहुत ही थिक ग्रेवी का जैसा आइटम लग रहा है ना। जैसा कि मैम ने बोला था कि कोई भी डिश होती है ना, उसको आप जब थोड़ी देर के लिए कढ़ाई के अंदर छोड़ देंगे ना, तो उसका फ्लेवर अपने आप में थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, हल्की सी थिकनेस भी आ जाएगी ग्रेवी के अंदर। इसकी थिकनेस देखें एक बार आप, बहुत ही ज़्यादा थिक ग्रेवी हो चुकी है, बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में नहीं है। आपका खाना पूरा आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन सबसे भरपूर है। ग्रेवी मेरी वाली में दिखा दो। चम्मच से भी टूट रहा है। हाँ, अच्छे से कुक्ड है। देखना थोड़ा पास आना एक बार, ये देखें गाइस बहुत ही इजी वे में आराम से टूट रहा है, ये देखें। और हलवा नहीं है। मैम इसके अंदर अनारदाने का टेस्ट है, बहुत क्रेजी टेस्ट आ रहा है, और गुड़ भी है, गुड़ का मिठास भी आ रही है, हल्की सी पंच आ रहा है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं दे रहा, और मिर्ची भी है। मिर्ची आपने बहुत ज्यादा स्पाइसीज नहीं बनाया, बट ये गरम मसालों का फ्लेवर बोल रहा है इसके अंदर। हाँ, है ना, जबकि हमने गरम मसाला पिसा हुआ नहीं डाला, सिर्फ खड़े मसाले डाले। मतलब यूजुअली अपन मटन बाहर खाते हैं तो बहुत तेज लगता है स्पाइस, बहुत स्पाइस तेज लगता है, गरम मसाला तेज लगता है। ये लग रहा है कि मटन खा के भी ना पेट ठीक रहेगा। जो गरम मसाले हैं एक मेजर्ड क्वांटिटी में डाले हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर पावर नहीं हो रहे हों, बहुत ज़्यादा हीट नहीं दे रहे हों आपको, बट आपकी डिश को अच्छा फ्लेवर दे रहे हो। गाइस इसका जो टेस्ट है ना, अपन जो यूजुअली जो रेड ग्रेवी का जो मटन खाते हैं उससे बहुत डिफरेंट, बहुत अलग है, उससे बहुत अलग है। ये देखो, ये देखो मटन बहुत शानदार बना, तो अच्छा है। अच्छा बना, बस करो यार उसको भी खाने दो। अच्छा आंटी एक बार बताएं, जैसे ये जो डिश आपने बनाई है इसके अलावा जैसे अपन कुछ रेड ग्रेवी के आइटम, जैसे एक एक अपन जम्मू और कश्मीर में एक फेमस है ना मैम, रोगन जोश है ना, उसमें शायद दही डलता है ना, दही की ग्रेवी बहुत अच्छा बनाती है, जो मटन बॉल्स का बनता है, गुश्ताबा बनता है और रिश्ता बनता है, वो बहुत अच्छा बनता है। उसकी तो मटन की कुटाई करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कुटाई। वो आपको सिलबट्टा चाहिए, हमाम दस्ता चाहिए, और ये डिश भी बहुत लाइट लग रही है ना, बहुत ज्यादा भारी नहीं लग रही, मसाले नहीं है। हाँ, खाने में कि आपको ऐसा बहुत ज्यादा ग्रेवी हैवीपन नहीं लग रहा है, ग्रेवी प्याज टमाटर अदरक लहसुन हमने कुछ भी नहीं डाला, भी हल्की है, ऑयल भी हल्का है।
ये देखे दोस्तों, बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है मीट, देखें आप, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली मेरे को पता नहीं था जब मैं यहाँ पे आया था कि मैम क्लाउड किचन रन कर रहे हैं, तो हम लोग तो बस, मैं तो सुबी के कहने पे आया था कि यार कि मेरी मदर इन लॉ हैं जो बहुत अच्छा फूड बनाती हैं, आप आए एक बार टेस्ट करें, तो हम लोग तो एज एन जस्ट एक रेसिपी शूट करने आए थे। बट गाइज आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि आप भी ऑर्डर दे सकते हैं मैम के साथ कुछ भी चीज़। एक मेन्यू मैं आपको शेयर कर दूँगा, आप उनमें से कुछ भी चीज़ अगर आप चाहते हैं बल्क लेवल पे या फिर एक मिनिमम क्वांटिटी में, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं जयपुर में, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस मील को करता हूँ एंजॉय, और मैम की एक रेसिपी दोबारा शूट करेंगे, कुछ और भी मैम के साथ लेके आएंगे, तो आप उसको भी एंजॉय करना। मिलते हैं किसी और जगह, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर कर दें, और बुक्कर घुमक्कर सर को भी सब्सक्राइब कर दें। इनका मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना इनका। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। आपने जो कोयला इसमें डायरेक्टली डाला है, ये नुकसान तो नहीं करेगा? नहीं करेगा, कोयला कच्चा कोयला है, कच्चा कोयला कभी नुकसान नहीं करता। नहीं, कई लोगों का कहना ऐसा रहता है डायरेक्टली अपन इसको नहीं डाल सकते इसमें, कटोरी रखो। हाँ। कटोरी रखो, नहीं, ये ऑर्गेनिक है, प्योर है, कोई नुकसान नहीं करता। चारकोल तो आजकल कॉस्मेटिक में भी यूज करते हैं, हर चीज में, खाने में भी होता है, सब में यूज करते हैं, उसमें भी करते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। और फिर जब हम इसको खाएंगे, हम इसको हटा देंगे।